मेरठ का लाल जब तिरंगे में लिपट कर क्रांति धरा पर वापस लौटा तो हर किसी की आंखें नम थी। शहीद अजय कुमार का आईटीआई कॉलेज के मैदान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद अजय को उनके 2.5 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। मेरठ के इस लाल की अंतिम यात्रा में लगभग 4 किलोमीटर लंबा काफिला चला। सेना, पुलिस, प्रशासन के उच्च अधिकारियों, प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, सांसद, विधायक सभी मौजूद रहे। 55 राष्ट्रीय राइफल्स के जांबाज जवान अजय का निशाना अचूक था। इसी वजह से अजय को आर्मी की कमांडो टीम के लिए चुना गया था। अजय और उनकी टीम को आतंकियों के खिलाफ चलाए जाने वाले स्पेशल ऑपरेशन के लिए ही भेजा जाता था। कभी कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। बस इसे भी मिलिट्री में जाने का एक वो था जज्बा कि मुझे भी मिलिट्री में जाना। इसके पिताजी भी आर्मी में ही थे, मिलिट्री में थे। सबकी आँख नम है, सब दुखी है। कोई अपना बच्चा उसके माँ से पूछो, माँ से, हम भी उसके गार्जियन ही है, देख रहे हैं, हमने पढ़ाया बच्चा, कष्ट है बहुत ज़्यादा। अब अजय नहीं और उनकी पत्नी डिम्पल तो यकीन ही नहीं कर पा रही कि 7 जन्मों तक साथ निभाने वाला उनका सुहाग साथ छोड़कर चला गया है। 27 साल के अजय मेरठ के जॉनी ब्लॉक के बसा टीकरी गांव के रहने वाले थे। अजय की शादी 4 साल पहले डिम्पल से हुई थी। उनका 2.5 साल का एक बेटा आरव है। डिम्पल इस समय 8 माह की गर्भवती है। वो जनवरी में करीब 1 महीने की छुट्टी के बाद वापस ड्यूटी पर चले गए। अजय 7 अप्रैल 2011 को सेना की 20 ग्रेनेडियर में भर्ती हुए थे। बाद में उनको 55 राष्ट्रीय राइफल्स रैपिड फोर्स में तैनाती मिली थी। कुछ महीने पहले ही उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी।